जय हिंद दोस्तों, एजोन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे आप सभी लोग, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे व स्वस्थ होंगे। तो दोस्तों आज मैं जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी के बारे में फिर से आपको बताऊंगा, और इसमें मैं आपको जीव विज्ञान में बता रहा था संघ के बारे में, और संघ का पूरा मैंने यानी जो संघ कार्डेटा से लेकर मैमेलिया मतलब इसका वर्ग तक मैंने आपको सारी जानकारी आपको दे दी थी, लेकिन आज इसका शॉर्टकट में आपको बताऊंगा। जैसे मैंने इससे पहले वाले वीडियो में कुछ बताया था मेरवज की स्थिति के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, ठीक है। तो अगर वह वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर पीछे वाली वीडियो में देख लेंगे। तो मैं उसमें बताया था आपको कि जो मेरवज होता है उसके आधार पर जीवों को दो भागों में यानी संपूर्ण जो जीव है उनको दो बराबर भागों में बांट देते हैं। एक होता आकाशेल्पी तथा दूसरा होता कशेल्पी। आकाशेल्पी क्या होता है, जिनमें रीढ़ की हड्डी उपस्थित नहीं होती है उन्हें आकाशेल्पी जीव कहते हैं, जबकि जो कशेल्पी जीव होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी या मेरुदंड उपस्थित रहता है उन्हें कशेल्पी जीव कहते हैं। तो आज हम आकाशेल्पी के बारे में चर्चा करेंगे कि आकाशेल्पी में कौन कौन से जीव आते हैं और उनका वर्ग क्या, उनका क्या नाम से फाइलम क्या क्या है, उनका संघ क्या क्या है। तो जैसा कि पहला इसमें वर्ग है, इधर उदाहरण, इधर इसके विशेष गुण है। तो इसमें देखते हैं वर्ग जो पहला यानी संघ पहला जो है इसका वह होता है संघ प्रोटोजोआ। क्या होता है, प्रोटोजोआ होता है। तो यह जो प्रोटोजोआ होता है यह इसके इसके बारे में मैंने आपको वीडियो में बता दिया था, विस्तृत जानकारी दिया था। अगर उन सब वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो जाके वीडियो को देख लेंगे। यहाँ सिर्फ मैं आपको शॉर्टकट बताऊंगा जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। तो आपसे पूछेगा कि संघ प्रोटोजोआ में कौन कौन से जीव आते हैं, वह उनके प्रमुख लक्षण यानी विशेष, उनके सबसे विशेष लक्षण क्या होते हैं। तो अमीबा में प्रमुख जीव जो होता है अमीबा होता है, प्रोटोजोआ में जो प्रमुख जीव होता है वह अमीबा होता है, प्लाज्मोडियम होता है, पैरामीशियम होता है, यूग्लिना होता है एंड अमीबा हिस्टोरिका आदि जीव आते हैं। और इनके जो विशेष लक्षण होते हैं, यह सारे जीव जो होते हैं एक कोशिकीय होते हैं व सूक्ष्म जीवी होते हैं, यानी इनके जीवन की जितनी भी क्रियाकलाप होती है एक ही कोशिका में क्या होती है, संपन्न भी होती है और खत्म भी हो जाती है। अब दूसरा बात करते हैं दूसरे फाइलम का, तो दूसरा फाइलम जो इनका पोरिफोरा है, पोरिफोरा में आपको इसके एग्जांपल में स्पॉन्ज व ग्रांसिया मिथी आते थे, यानी इसने अगर पूछता है पोरिफोरा में कौन कौन से आकाशेरुकी जीव आते हैं तो इनमें पोरिफोरा में, संघ पोरिफोरा में स्पॉन्ज व ग्रांसिया नामक जीव आते हैं। और इनकी जो मुख्य विशेषता यानी मुख्य गुण इनके जो होते हैं, यह प्राणी बहुकोशिकीय होते हैं। कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और इनके पूरे शरीर में अति सूक्ष्म यानी छोटे छोटे रंध्र पाए जाते हैं जिनकी सहायता से श्वसन या उत्सर्जन का कार्य करते हैं। उसके बाद तीसरा जो इसका आता है, जो सीलेंट्रेटा होता है, क्या होता है, सीलेंट्रेटा होता है, तीसरा संघ इनका सीलेंट्रेटा होता है। और यह जो होता है इनमें हाइड्रा, जेलीफिश, कोरल ऐसे जीव आते हैं, तथा यह भी कैसे प्राणी होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। क्या होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, और बहुकोशिकीय होने के साथ साथ यह जलीय यानी ज्यादातर जल में पाए जाते हैं, और इनमें उत्सर्जी जो उत्सर्जी तंत्र यानी उत्सर्जन तंत्र होता है और उसके साथ साथ जो रक्त परिसंचरण तंत्र होता है वह अनुपस्थित होता है, यानी वह उपस्थित नहीं होता है। इसके बाद बात करते हैं चौथा एनिलिडा पर, यानी एनिलिडा में इसने ज्यादातर क्वेश्चन पूछ लेता है कि केचुआ इसमें कौन कौन से जीव आते हैं एनिलिडा संघ में। तो एनिलिडा संघ में केचुआ, जोंक, नेरिस आता है। नेरिस भी जोंक की ही तरह होता है, इसे थोड़ा सा बड़ा करके, सॉरी नेरिस जो होता है केचुआ की तरह होता है। कैसा होता है, केचुआ की तरह होता है, लेकिन केचुआ जो होता है थोड़ा सा ब्राउन कलर का होता है, लेकिन जो नेरिस होता है बिल्कुल काला होता है। बताया है मैंने वीडियो में, बताया है उसको आप लोग देख सकते हैं पीछे वाली वीडियो में। तो इसके जो मुख्य विशेषता या विशेष गुण जो होते हैं, सबसे पहले तो चिकने होते हैं, लंबे शरीर वाले होते हैं, ठीक है। यह शरीर, इनके शरीर के ऊपर एक विशेष प्रकार का तरल पदार्थ यानी अस्त्रावित होता रहता है, जिसके कारण यह बड़े चिकने होते हैं, और यह धीरे धीरे सरक कर चलने वाले जीव होते हैं, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए सरक कर चलते हैं अपने आप को। और उसके बाद इनका रक्त परिसंचरण तंत्र जो होता है वह उपस्थित होता है। क्या होता है, उपस्थित होता है। इसके बाद चौथा आता है, सॉरी पांचवा आता है आर्थ्रोपोडा। तो आर्थ्रोपोडा में हमने बताया था कि इस संघ में जितने भी जीव आते हैं इनके कंकाल तंत्र जो होते हैं वह शरीर के बाह्य आवरण पे होते हैं, और बाह्य आवरण के साथ साथ इनमें जो तंत्रिका तंत्र वगैरह वगैरह होता है वह सारी चीज उपस्थित होते हैं। तो इनमें देखिए खटमल, इसके एग्जांपल्स में आपको खटमल मिल जाएगा, केकड़ा, मकड़ा, मक्खी, चींटी, तिलचट्टा आदि जीव मिल जाते हैं, तथा इनके विशेष गुण जो होते हैं, संख्या में तो सबसे अधिक जंतु वाले होते हैं, यानी यह संख्या में सबसे अधिक होता है। आर्थ्रोपोडा की संख्या में क्या होता, सबसे अधिक होता है, वह हीमोस्टील यानी जो तरल पदार्थ हीमोस्टील रहता है इनकी उपस्थिति पाई जाती है, और तथा इसके साथ साथ में केंद्र की तंत्रिका तंत्र भी उपस्थित होते
आपको इसमें से बताऊंगा कसेर की, यानी इसे हम वर्टिब्रेट संघ कहते हैं। तो वर्टिब्रेट सॉरी वर्ग इसका है। इसमें देखते हैं कौन कौन से वर्ग आते हैं, उनके विशेष कौन कौन से गुण होते हैं और इसके एग्जाम्पल क्या। तो आपसे जैसे पूछता कि मत्स्य वर्ग में इसमें कि कशेरुकी संघ में कौन कौन से वर्ग आते हैं और उस वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं, इसके बारे में आपको बताऊंगा। तो जैसा कि पहला इसमें है मत्स्य वर्ग, तो मत्स्य वर्ग जो होता है इसमें एग्जांपल के तौर पे शार्क आता है, कोड आता है, डॉगफिश आती है, कुछ मछलियां आती है, कुछ मछलियां आती है, सारी मछलियां नहीं होती, क्योंकि कुछ मछलियां ऐसी होती हैं जो बच्चे को जन्म देती हैं, लेकिन ज्यादातर मछलियां जो होती है वह क्या नाम से अंडे से अपने बच्चे को जन्म देती है। अब इनके विशेष गुण में अगर हम देखते हैं तो इनका जो विशेष गुण है, जैसे इनके चमड़े पर शल्क होता है, क्या होता है, जो ऐसी मछलियां होती है इनके चमड़े पर एक शल्क होता है और उसके साथ साथ गत के लिए, यानी जो गत के लिए एक पंख टाइप का होता है, पखना उनके मुख के पास लगा होता है, तो उसी के द्वारा वह, जिसे हम लोग फिन कहते हैं, क्या कहते हैं, फिन कहते हैं, तो इसके सहायता से वो सब गति करती हैं और उसके साथ साथ इसमें गिल होता है, ठीक है, गिल होता है जिसकी सहायता से श्वसन का कार्य करते हैं। यह तो हो गया इनका विशेष लक्षण हो गया। उसके बाद दूसरा आता है एम्फीबिया वर्ग। एम्फीबिया वर्ग जैसे हमने आपको बताया था कि इसमें जो होते हैं मेंढक आते हैं, टोड आते हैं, सैलामेंडर आते हैं, और इसमें इसकी एक विशेषता है कि जितने भी जीव होते हैं या उभयचर होते हैं, जमीन पर भी रह सकते हैं, जमीन के ऊपर भी रह सकते हैं, जमीन के नीचे भी रह सकते हैं, अलग अलग कंडीशंस में रहते हैं। तो इसमें देखते हैं इसके जो प्रमुख गुण होते हैं, यह जल और जमीन दोनों पर निवास करते हैं, पहला गुण हो गया। दूसरा गुण इसका यह अंडजपान, यानी अंडेज होते हैं, यानी अंडे देते हैं, और उनके अंडे का जो निषेचन होता है वह कहां होता है, वो बाह्य निषेचन करते हैं। उसके बाद इनके शल्क पर, शल्क जो होता है एक विशेष प्रकार का शल्क जो होता है वह अनुपस्थित होता है। उसके बाद इसके श्वसन के लिए कई, यानी तीन माध्यम होते हैं। हमने पहले वाली वीडियो में आपको बता दिया था कि यह जब जल में रहते, जल के अंदर रहते हैं तो गिल्स का प्रयोग करते हैं श्वसन के लिए, और जब जमीन के अंदर रहते हैं तो जमीन के अंदर आने के साथ साथ त्वचा से श्वसन करते हैं, लेकिन जब हम लोगों की तरह सामान्य जमीन के ऊपर रहते हैं तो गलफड़ों से श्वसन का कार्य करते हैं। तो कई माध्यम इनके हो गए। अब अगला क्वेश्चन आपसे पूछा कि रेप्टेरिया में कौन कौन से जीव आते हैं, तो जो रेप्टेरिया है ये इसमें रेप्टेरिया वर्ग है, इसमें आपको मगरमच्छ मिल जाएगा, घड़ियाल मिल जाएगा, सर्प मिल जाएगा, छिपकली मिल जाएगा, गिरगिट मिल जाएगा। मैंने वीडियो में आपको अच्छी तरीके से बताया, इसमें सिर्फ आपको इतना पढ़ना है कि रेप्टेरिया संघ में कौन कौन से जीव आते हैं, उनकी विशेषता, मुख्य विशेषता क्या होती है। अब इसके मुख्य जो विशेष गुण इसमें होते हैं वह देखिए, चमड़े पर शल्क इनके होते हैं, चमड़े पर एक विशेष प्रकार के शल्क पाए जाते हैं। कुछ जीवों में बड़े कठोर होते हैं, जैसे इसमें देख लिया जाए घड़ियाल और मगरमच्छ में देख लिया जाए तो बहुत ही कठोर होते हैं, जबकि गिरगिट में क्या होता है, बड़ा ही नरम होता है। उसके बाद इनके उंगलियों पर एक विशेष प्रकार की झिल्ली पाई जाती है, जिसकी सहायता से तैरने में इनको मदद करता है, क्योंकि इनके पास कोई गिल्स वगैरह वगैरह नहीं होता, गिल वगैरह कभी कभी पानी में जाते हैं तो वही जो होता है उनको तैरने में मदद करता है। लेकिन इसमें जो सर्प है तो सर्प में जो होता है पैर नहीं होता, पैर इसका क्या होता है, अविकसित होता है, यानी एकदम खाली होता है, ठीक है। उसके बाद इनमें श्वसन जो होता है वह फेफड़े के द्वारा होता है, किसके द्वारा होता है, फेफड़े के द्वारा, यानी हम लोगों की तरह सामान्य होता है। उसके साथ साथ जो इसमें अस्थि होती है वह क्या होती है, बिल्कुल निर्मित होती है। उसके बाद यह प्राणी कैसे होते हैं, यह प्राणी बिल्कुल अंडेज होते हैं, यानी अंडे देते हैं और अंडे देने के बाद उनके अंडे से बच्चे निकलते हैं, और यह अभी रेंगकर चलने वाले जीव होते हैं, यह अभी कैसे जीव होते हैं, रेंगकर चलने वाले जीव होते हैं। अब इसके बाद चलिए दोस्तों पढ़ते हैं अगला वर्ग। तो इसके बाद का दोस्तों वर्ग आता है एबीज। एबीज एबीज में आता है पक्षी वर्ग। कौन सा वर्ग आता है, पक्षी वर्ग। तो सभी इसमें पक्षी आ जाते हैं, केवल चमगादड़ और कुछ अन्य पक्षियों को, एक आध दो को छोड़ दिया जाए तो सारे पक्षी इसमें आ जाते हैं। अब इनके विशेष गुण में देख लेते हैं, तो इनके डैने होते हैं, डैने मतलब इनका अगला पैर जो होता है उसी को डैना कहा जाता है। उसके बाद इनका बाल युक्त बाह्य आवरण होता है, इनके शरीर का पूरा हिस्सा जो होता है बालों से ढका हुआ रहता है, और गति के लिए इसी डैने का भी उपयोग कर लेते हैं और कभी कभी पैर का उपयोग भी कर लेते हैं, लेकिन डैने का उपयोग ज्यादातर उड़ने के रूप में यह सब करते हैं। उसके बाद यह सब होते हैं अंडे यूज होते हैं, अंडे देते हैं उसके बाद उसमें बच्चे निकलते हैं। उसके बाद इनमें दांतों का अभाव पाया जाता है, दांत की जगह इनमें क्या पाया जाता है, चोंच पाया जाता है, जिसकी सहायता से भोजन को क्या करते हैं, निगल लेते हैं। उसके बाद आगे देखते हैं सबसे लास्ट का संघ आता है मैमिलिया, और सबसे समझदार हुआ इसमें जो दिमाग होता कह सकते हैं वह पूरी तरीके से विकसित होता है। इसमें आपको मिल जाएंगे मनुष्य, कुत्ते, बंदर, घोड़े, हाथी, डॉल्फिन, मछली भी आपको मिल जाएगी और साथ साथ में चमगादड़ भी मिल जाएंगे। तो मनुष्य में सर्वाधिक इसका मस्तिष्क जो था सबसे ज्यादा विकसित होता है। उसके बाद इसकी विशेषता देखते हैं, जब गुण देखते हैं तो इनमें चमड़े पर, इनके चमड़ों पर बाल ढेर सारे पाए जाते हैं पूरे शरीर में हर जगह पर,
और इसमें अस्थि पंजर पाया जाता है, यह समतापी होता है। समतापी का मतलब मैंने पहले ही आपको बता दिया है कि समतापी का मतलब होता है इनका तापमान जो है किसी भी टेम्परेचर में एक ही जैसा रहता है। उसके बाद यह होते हैं जरायुज। जरायुज का मतलब है बच्चे को जन्म देते हैं, और मादाएं जन्म देने के बाद क्या करती हैं, इनके पास दुग्ध पान यानी शिशु के दुग्ध पान के लिए अस्तन विकसित होता है। और उसके बाद मिल जाएगा आपको इसमें दांत होते हैं, जितने भी प्राणियों के दांत होते हैं, और दांत को भी मैंने पिछले वाली वीडियो में बताया है कि दांत चार प्रकार के होते हैं। तो चार प्रकार के बाद मैंने उसके बाद आपका आता कान, तो यह सारी चीजें इनमें उपस्थित होती है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर यह वीडियो आपको पसंद आई होगी तो लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे।